आइए दोस्तों, बनारस की सरजमीन पर चलता हूँ, जहाँ पर नज़ीर बनारसी, प्रोफेसर हफीज़ बनारसी और तमाम असातिद शोराए कराम गुज़र चुके हैं। और इस दौर में भी ऐसे ऐसे शोराए कराम हैं जो अपने को खगालते हैं तो आबे हयात निकलता है, और उसे जब कागज़ पर मुंतकिल करते हैं तो पढ़ने वाले शश्तर रह जाते हैं। उसी में एक नाम हमारी फहरिस्त में है कि यूँ तो दुनिया में अकीदत की दुनिया आबाद करने वाले बहुत से गुजरे हैं और आज भी हैं, मगर एक परिंदा हुदहुद जो अपनी मिनकार में, अपनी चोंच में खलूस भरा खत मुल्के सबा की शहजादी बिलकीस को जब रोशनदान से पेश करता है तो उस वक्त अकीदत की एक अनोखी दास्तान वजूद में आ जाती है। हमारी फहरिस्त में एक ऐसा शायर है जो वादिये इश्क में शीरी और फरहाद से भी आगे बढ़ चुका है, और नाम है जनाब मुश्ताक बनारसी का। मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आज के इस मुशायरे की तहजीब जनाब मुश्ताक बनारसी के नाम। आप हजरात जोरदार तालियों से इस शायर का इस्तकबाल फरमाएं। और डाइस के शोरा कराम से भी मैं इल्तमास करूंगा कि वो कम अज कम शोरा को दादो तहसीन से जरूर नवाजा। गजल से पहले एक मतला, एक शेर इनायत समात। बिस्मिल्लाह। तुम अपने दिल का कभी कारोबार मत करना। वाह। तुम अपने दिल का कभी कारोबार मत करना। तुम अपने दिल का कभी कारोबार मत करना। तुम अपने दिल का कभी कारोबार मत करना। ये आईना है इसे दागदार मत करना। वाह वाह वाह। ये आईना है इसे दागदार मत करना। वाह वाह। कि जरा सी ठेस लगेगी तो टूट जाएगा। वाह। जरा सी ठेस लगेगी तो टूट जाएगा। जरा सी ठेस लगेगी तो टूट जाएगा। वफा के शीशे पे पत्थर से वार मत करना। वफा के शीशे पे पत्थर से वार मत करना। और एक मतला, दो शेर समाप्त फरमाए। एक शाम कौमी एकता के नाम। भाई बहुत अच्छे भाई मुश्ताक भाई, वाह 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 वाह। मतला देखें, बहुत अच्छे। इस तरह रस में मोहब्बत को निभाया जाए। वाह। इस तरह रस में मोहब्बत को निभाया जाए। इस तरह रस में मोहब्बत को निभाया जाए। इस तरह रस में मोहब्बत को निभाया जाए। ईद की तरह से होली भी मनाया जाए। ईद की तरह से होली भी मनाया जाए। इस तरह रस में मोहब्बत को निभाया जाए। भाई फिर पढ़िए इसको, फिर पढ़िए। इस तरह रस में मोहब्बत को निभाया जाए। इस तरह रस में मोहब्बत को निभाया जाए। ईद की तरह से होली भी मनाया जाए। ईद की तरह से होली को मनाया जाए। और
ईद की तरह से होली को मनाया जाए, ईद की तरह से होली को मनाया जाए, ईद की तरह से होली को मनाया जाए। और फूल पत्थर पे चलो आज खिलाया जाए, वाह वाह, फूल पत्थर पे चलो आज खिलाया जाए, फूल पत्थर पे चलो आज खिलाया जाए। अपने दुश्मन को भी सीने से लगाया जाए, अपने दुश्मन को भी सीने से लगाया जाए। इस तरह रस्म मोहब्बत को निभाया जाए। और एक शेर बहुत और समाप्त माले कि चलिए मुश्ताक इबादत में है ये भी शामिल, वाह 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 वाह, चलिए मुश्ताक इबादत में है ये भी शामिल, चलिए मुश्ताक इबादत में है ये भी शामिल। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और दो मतलब एक शेर समाप्त में, बहुत अच्छे बहुत खूब, मतलब देखिए, दिल में शम्मे मोहब्बत जला दीजिए, तवज्जो चाहूंगा, वाह वाह हाजी साहब, दिल में शम्मे मोहब्बत जला दीजिए, दिल में शम्मे मोहब्बत जला दीजिए, फासले दर में आके मिटा दीजिए, दिल में शम्मे मोहब्बत जला दीजिए। वाह, क्या खता है मेरी अब बता दीजिए, बहुत अच्छे बहुत, क्या खता है मेरी अब बता दीजिए। बाद में चाहे जो भी सजा दीजिए, दिल में शम्मे मोहब्बत जला दीजिए। और ये भी शेर आपकी बेहतरीन समातों के हवाले कि कोई मजहब सिखाता नहीं है हमें, कोई मजहब सिखाता नहीं है हमें, घर किसी का जले और हवा दीजिए, दिल में शम्मे मोहब्बत जला दीजिए। और गजल का मतला आपकी बेहतरीन समातों के हवाले, मतला देखें कि पल के भीगी मगर मुस्कुराना पड़ा, पल के भीगी मगर मुस्कुराना पड़ा, रस्म उल्फत को यूं भी निभाना पड़ा, पल के भीगी मगर मुस्कुराना पड़ा। और शेर मुलाजा फरमाए कि बेवफा कहे के वो तो चले भी गए, बेवफा कहे के वो तो चले भी गए, खुद वफा का जनाजा उठाना पड़ा, पल के भीगी
मुस्कुराना पड़ा। और ये भी शेर समाप्त फरमाए, ये शेर खास तौर से मैं सोनिया जी के लिए कहा था, और ये शेर समाप्त फरमाए आपकी बेहतरीन समातों के हवाले कि रोशनी की तमन्ना उन्हें थी बहुत। मुख्तार भाई, रोशनी की तमन्ना उन्हें थी बहुत, मुझको अपना नशे मन जलाना पड़ा, पलके भीगी मगर मुस्कुरा